सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के लड्डू। ये खाने में तो टेस्टी होते हैं, इसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आसान सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने ले लिया है 1 कप तिल, और इसे हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, तिल को कभी भी बहुत ज़्यादा भूना नहीं जाता है, वरना जो तिल होती है वो कड़वी हो जाती है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूने और लगातार चलाते हुए इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनना है। और इसे हाई फ्लेम पे भी नहीं भूनेंगे, वरना ये तुरंत ही जलने लग जाता है। तो फ्लेम को आप लो पे या मीडियम लो पे ही रखें। जब तिल भून जाते हैं तो इसका कलर जो बिल्कुल हल्का सा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है हमें, और ये हल्की सी फूल भी जाती है। तो इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है, करीब 3 से 4 मिनट तक हमने इसे रोस्ट किया हुआ है। तो ये हमारे तिल भून चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख लेंगे, और इसी कढ़ाई में फिर हम आगे का भी प्रोसेस करेंगे। तो इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ले लिया है घी, और घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप गुड़। तो जितना हमने तिल लिया था उससे थोड़ा सा ही कम हमने उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच हम डाल लेंगे इसमें पानी। पानी डालने से ये बहुत ही जल्दी से गलने लग जाता है। तो गुड़ को हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके ले सकते हैं, इससे जो गुड़ है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है और काफ़ी आसानी से ये पकने लग जाता है। तो इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, पूरी अच्छी तरह से ये घुल चुका है। तो थोड़ा सा हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। और बहुत ज़्यादा हमें गुड़ को नहीं पकाना है, वरना जो हमारे लड्डू बनेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। तो उस गुड़ की चाशनी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि इसे हम ज़्यादा ना पकाएं। तो एक कटोरी में हमने पानी लिया है, इसमें थोड़ा चाशनी डाल लिया है, और देख सकते हैं ये गुड़ की जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फैलने लग गई है, यानी कि इसे हमें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा लेकिन आप इसे ना पकाएं। चाशनी को हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है, तो अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार ये फैल नहीं रहा है, और इसका हम बॉल बना करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये बॉल सा बन जा रहा है, यानी कि हमारी जो चाशनी है वो पक चुकी है। और चाशनी में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से बन चुकी है। तो हमने जो तिल को रोस्ट करके रखा था ना, उसे अब हम इसमें डाल लेते हैं, और इसे लगातार चलाते भी जाएं ताकि ये जले नहीं। तो इसमें हमने तिल को डाल लिया है, और अब हम इसे जो फ्लेम है उसे बंद कर देते हैं। तो फ्लेम बंद भी कर दें और इसे लगातार चलाते भी जाएं। अगर अभी आप फ्लेम को ऑन रखेंगे जो तो तिल और गुड़ जो है वो जलने लग सकता है। तो इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसके लड्डू भी बना लेते हैं। तो इसे हमें ठंडा नहीं करना है, गर्म में ही हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे, वरना ये बहुत ही जल्दी से सेट होने लग जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी में ले लिया है पानी, और पानी में हाथ को डिप करेंगे, और इस तरह से थोड़ा मिश्रण हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसे बांधते हुए लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फटाफट से ये बन जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका जो मिश्रण है वो जमने लग जा रहा है, तो आप क्या करें कि इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसे गरम कर ले, तो ये फिर से मेल्ट होने लगेगा और फिर से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाना होगा, वरना ये सेट हो जाएगा और लड्डू बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ये मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो एक एक लड्डू आप बनाते जाएं और पानी से हाथ को डिप करते रहें। और इसी तरह से हम बाकी के भी लड्डुओं को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने ये तिल गुड़ के लड्डू बनाना कितना आसान है। तो इस मकर संक्रांति में आप इसे बनाइए। तिल गुड़ के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप भी इसे एक बार ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे बनी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं।